गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 11 सॉल्व करेंगे, अनुक्रम तथा व्युत्क्रम समानुपात। चैप्टर का नाम आपका क्या है? अनुक्रम तथा व्युत्क्रम समानुपात। लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 12 सीटों का वजन 40 ग्राम हो तो उसी कागज की 2500 ग्राम वजन के लिए कितनी सीट होंगी? तो अब हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन एक तरफ लिखेंगे शीट और एक तरफ लिखेंगे वजन। अब देखो उसमें कैसे करेंगे। शीट जैसे पेपर की 12 सीटों का वजन दे रखा है, 12 सीट दे रखी है तो सीट के नीचे 12 आ जाएगा। अगर वजन दे रखा है तो वजन के नीचे 40 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपकी डिजिट दे रखी है, ग्राम में दे रखी है, मतलब वजन दे रखा है, तो वजन 2500 ग्राम। अब हमें शीट नहीं दे रखी तो शीट को हम एक्स मान लेंगे। तो अब कैसे करेंगे? 12/x, ये अपॉन में आ जाएगा, बराबर का साइन लगाएंगे, 40/2500 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 40x बराबर 2500 की गुणा 12 से करेंगे, एक्स हमारा ऐसे ही रहेगा, 2500 गुणा 12/40। 0 से 0 कट गया, 4 से 12 कट गया, 4 × 12। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स बराबर 3 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 3 × 15 = 5, ऐसे लगा 1, 3 × 2 = 7, तो 750 सीटें आ गई। ये आपका आंसर हो गया। एक्सरसाइज 11B, 11A में आपके क्वेश्चन जैसे मैंने फर्स्ट कराया था, बाकी सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पर हैं। एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगी, बाकी क्वेश्चन इसके ही पैटर्न पर हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे ध्यान से। यदि 36 आदमी एक काम को 25 दिनों में करते हैं तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? एक तरफ इसमें भी ऐसे लिखेंगे जैसे उसमें लिखा था, आदमी लिख लेंगे और दूसरी तरफ दिन लिख लेंगे, क्योंकि दिन और आदमी दे रखे हैं हमें। आदमी कितने दे रखे हैं पहले हमें? 36, और दिन 25। आदमी दे रखे हैं फिर 15, दिन हमें निकालने हैं, तो इसको भी हम x मान लेंगे। अब इसमें एरो हम बढ़ती हुई संख्या से छोटी संख्या की ओर लगाते हैं और दूसरा वाला हमारा x की तरफ ही रहता है। तो जो दूसरी वाली डिजिट है हमारी 36 और 15, तो इसको हम व्युत्क्रम करेंगे, मतलब अपोजिट करेंगे। 15/36 हो जाएगा बराबर 25/x। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 15x बराबर 36 × 25, एक्स ऐसी रहेगा 36 × 25/15। पहले हम 5 से काटेंगे, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, 3 × 36 को काट देंगे, 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6। अब 12 की गुणा हम 5 से कर देंगे, 12 × 5 = 60, 60 दिन आ गया हमारा आंसर।